Good afternoon and match number 31 and Rajasthan Royal and KKR and match rep. Sorry. And toss rep and Bapan Mandal, they spin the coin. Head is call. It is tail. And KKR win the toss and decide. Bat first. Bat first, in you run and score and board. 5-3 Stalis. It is all the best. मुबारक विन द टॉस डिसाइड क्या करते हैं आप बॉल फर्स्ट बॉल फर्स्ट बॉल मिली है ऑपोजिटिंग को कितना रन पे रोकना चाहोगे पूरी 25 इन सेम प्लेइंग 11 इन द लास्ट मैच इमरान इमरान एंड नॉट अवेलेबल रोबी एंड बैक ऑल द बेस्ट केकेआर ने टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला किया है हमारे आज दोनों वन फील्ड अंपायर रहेंगे बापन मंडल और विजय दोनों अनफील्ड अंपायर बापन मंडल और गौरव चक्रवर्ती और थर्ड अंपायर विजय मंडल केकेआर के दोनों धुरंधर बल्लेबाज ओपनिंग करने आए आज कप्तान खुद जाहिद और उसके साथ देने आए आमीन आज महमूद नहीं है तो कप्तान खुद आए ओपनर करने और केकेआर के सामने राजस्थान रॉयल जो लगातार दो मुकाबले जीत के आ रही है राजस्थान वो पटरी पे गाड़ी आ चुकी है किंतु केकेआर है तैयार केकेआर पिछला मुकाबला हार के आ रही है राजस्थान रॉयल से पहला ओवर डालने आया है मुबारक उसके सामने कप्तान जाहिद लगाया है शॉट स्क्वेयरली की दिशा में दो रन की है कॉल आज दोनों ही टीम ये मैच जीतना चाहेगी क्योंकि राजस्थान जो पटरी पे गाड़ी आ चुकी है उसकी किंतु केकेआर सामने वो हार के आ रही है बाय से मिल जाएगा एक रन मुबारक जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं वो पहले मैच के बाद वो आमीन उस फॉर्म से अभी तक लगे नहीं उस पहले मैच में दिखे थे वो 360 डिग्री उसके बाद वो नाम कहीं छुप सी गई है दो रन तीन रन की कॉल थी दो रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा ओवर की चौथी गेंद वाइड बॉल अभी तक इस ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं है हवा में गेंद उधर फील्डर मौजूद है और सीधा मार बैठे आमीन एक बार फिर फील्डर के हाथ इस बार एक बार फिर निराश होंगे आमीन अपने आप से जाना पड़ेगा बल्ला टूट गया है इसलिए तो कनेक्शन अच्छा नहीं हुआ बल्ले के बीचों बीच कनेक्शन नहीं हुआ सीधा फील्डर के हाथ में गया है और आमीन को जाना पड़ेगा बहुत ही बड़ी विकेट राजस्थान रॉयल के लिए कट लगाया है फील्डर मौजूद है बहुत ही बड़ी विकेट मिली है राजस्थान रॉयल को आमीन के रूप में 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे केकेआर आमीन जिस फॉर्म से गुजरे पहले मैच के बाद उस फॉर्म पे नजर नहीं आए जिस फॉर्म से गुजर रहे थे वो 360 डिग्री बंद सी हो गए खामोशी छा गई है केकेआर के डिसीजन में क्योंकि एक आज बल्लेबाज वो महमूद नहीं है जो बड़े हिट के लिए जाने जाते हैं तो कप्तान को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी राकेश आए है दूसरा ओवर डालने राजस्थान से आगे बढ़ के शॉट मारने की कोशिश थी ओ पेसर में लग रहे हैं बल्लेबाज क्योंकि राजस्थान रॉयल के सामने है जिस फॉर्म से गुजर रहे एक बड़ा स्कोर चाहेंगे केकेआर मारते ही 2 की कॉल और मिल जाएंगे 2 रन बहुत ही अच्छी रनिंग द विकेट कप्तान से और सोहेल एक बार ओपनर करने आए अपने टीम के लिए केकेआर के लिए तो नजर आई थी वो दमखम दो रन बल्लेबाज जाहिद की खेलने की से राउंड
वो सीधा ग्राउंड और राउंड खेलना चाहते हैं। हवा में शॉट एक बार फिर और छक्का मिलेगा। बहुत ही अच्छी शॉट, जाहिद के बल्ले से एक हाथ जरूर छूट गया था, इन दो पूरे हाफ डजन रन मिलेंगे अपने टीम को। एक दफा लग रहे थे ये शॉट, लीडिंग एज और सीधा कीपर के पास, अभी अभी छक्का मारा था और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। कप्तान जाहिद अपने आप से निराश, जाना पड़ेगा, अच्छी शुरुआत थी विकेट गिरने के बाद। और 18 पे 2 विकेट राजस्थान केकेआर, केकेआर 18 पे 2 विकेट राजस्थान, 18 पे 2 विकेट, 2 ओवर की समाप्ति। राजस्थान रॉयल 30 ओवर करने आए, मुबारक उसके सामने सोहेल। इधर से बड़ा हिट लगाना चाहेंगे, अभी भी विकेट गिरी है जरूर, अच्छी शॉट, ओवर कवर और 4 रन, खाता खोला अपना का चौके के साथ। सोहेल इस अंदाज से ही जाने जाते हैं, टीम हमेशा ऊपर भेजते नहीं इसको, तीसरे चौथे स्थानों पे लेके आते, ऊपर भेजेगा तो अपने टीम के लिए करक एक शुरुआत देने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आगे बढ़ के मारने की कोशिश थी, किंतु बल्ले का लीडिंग है सीधा पैर में लगी है। सोहेल चाहेंगे और विकेट, इसी बीच मुबारक के नाम दूसरा विकेट, केकेआर नाखुश, 3 विकेट, तीसरा झटका केकेआर को। तीन विकेट गिर चुकी है तो इधर से सिंगल लेके खेलना पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं अच्छी शॉट, फील्डर मौजूद है, 2 रन की एक ऑल, रन आउट होने का मौका, 2 रन मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे रन विकेट दोनों बल्लेबाज से अभी अभी आए हैं और अभी भी इसके बाद एक ओवर है तो खेलना चाहेंगे आखिर तक, क्योंकि इधर से एक विकेट गिरती है। अच्छी गेंद, वो पिच में मदद है और 3 ओवर की समाप्ति, 24 पे 3 केकेआर। आखिरी ओवर और रोबी डालने आया है और वाइट बॉल और बाएं से सोने पे सुहागा, 2 रन की एक कॉल और रन आउट हो जाएंगे। बहुत ही खराब कॉल, क्योंकि अभी भी 4 गेंद बाकी है और रियाज आए है, 5 गेंद बाकी है, अभी भी ओवर बाकी है और 28 पे 4 विकेट। ओ अच्छी शॉट, हल्के हाथों से खेला है, सिंगल चुराएंगे, ये जानते हैं 4 विकेट गिर चुकी है तो आखिरी विकेट है ये, वो खेलना चाहेंगे आखिरी तक ये 4 गेंद, क्योंकि 4 रन भी आए है तो स्कोर अच्छा होगा। 30 रन बनाते हैं तो चैलेंज दे सकती है, कि तो इसी बीच रवि अपने घातक गेंदबाजी से पहले मैच में भी दिखाए थे, 1 विकेट लिए थे, आज भी रवि राजस्थान रॉयल पटरी पे आ चुके हैं और ऑल आउट कर दिया है केकेआर के टीम को, और जीत के लिए चाहिए राजस्थान रॉयल को 28 रन। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी राजस्थान रॉयल, राजस्थान रॉयल पहली बार किसी टीम को ऑल आउट करे है और केकेआर जैसे टीम जो मजबूत नजर आ रही थी पहले जब टीम की जो अनाउंस हुई थी वो बहुत ही अच्छी टीम मानी जा रही थी, ये टॉप प्लेइंग 11 होगी केकेआर की, किंतु आज राजस्थान के विरुद्ध ऑल आउट हो गई है केवल 27 पर। जीत के लिए 28 रन चाहिए राजस्थान रॉयल को। राजस्थान रॉयल के दोनों ओपनर कप्तान मुबारक और उसके साथ देने आया बोर्ड पे केवल 28 रन है, तो सामने केकेआर के धुरंधर गेंदबाज कप्तान जाहिद जिस पेस से जाने जाते हैं, राजस्थान से भी वो पेस अटैक से जाने जाते हैं। राजस्थान तो आज पहली बार किसी टीम को ऑल आउट किया जूनियर आईपीएल में और राजस्थान रॉयल की गाड़ी पटरी पे आ चुकी है और केकेआर क्या है तैयार, शाम पिछला मैच हार के आ रही है, पहला गेंद और लीडिंग एज कीपर के ऊपर से टपकाया है, 2 रन की है कॉल, रन आउट होने का मौका, बहुत ही खराब थ्रो, ये रन आउट हो सकता था, विकेट कीपर की अच्छी थ्रो होती, 2 रन मिल जाएंगे, 1 रन और 1 रन शॉट। सॉरी ये 2 रन, पहले गेंदों पे 2 रन आ चुके, अच्छी गेंद, एक बार बहुत ही खराब विकेट कीपर, एक बार फिर बाय और 1 रन, स्कोर बोर्ड में रन कम है तो कीपर से बचाना चाहिए, जिस तरीके से कप्तान जाहिद जाने जाते हैं
वो रोक सकते हैं और मैच भी जीत सकते हैं केकेआर। स्कोर में हमने देखा इस टूर्नामेंट में अच्छी शॉट, फील्डर मौजूद है, दो रन की है कॉल, तीन गेंदों पे 5 रन आ चुके हैं। कप्तान जाहिद को इधर से एक विकेट लेना पड़ेगा क्योंकि रन में लगान लगानी पड़ेगी। अच्छी गेंद इसी बीच और जो पेस से जाने जाते हैं वो थोड़ी बाहर की तरफ स्विम कराए ना तो बल्लेबाज को परेशानी होगी। इस बार पॉइंट की तरफ खेला है, दो रन की है कॉल और बहुत ही खराब विकेट कीपर, ओवर थ्रो। और आउट, जाना पड़ेगा मुबारक को, डायरेक्ट थ्रो, बहुत ही बढ़िया थ्रो, मुबारक को जाना पड़ेगा। और तीसरे स्थान पर राजस्थान रॉयल के लिए रवि आया है और रवि को पिछले मैच में देखा था, 2 गेंद खेले थे, 1 छक्का मारा था। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर, अच्छी गेंद लगातार, दो डॉट बॉल। 8 पे 1 विकेट राजस्थान रॉयल। और राकेश वो देखा है इस फॉर्म में, जिस फॉर्म से गुजर रहे राजस्थान रॉयल के लिए वो 20 रन चाहिए और क्या जिता सकते हैं राकेश। और अच्छी गेंद, एक बार फिर लीडिंग एज और 2 रन की है कॉल, बहुत ही खराब थ्रो, स्टार रन दे रहे हैं केकेआर के फील्डिंग, स्टार रन दे रहे हैं केकेआर की फील्डिंग, वो अपने आप से पछताएंगे, मैच हारेंगे। वो अच्छी गेंद, वो गति में बल्लेबाज को बीट कर रहे हैं, राकेश को चमक रहे हैं। वो धमकने वाली गेंदबाजी कर रहे हैं। ओ अच्छी गेंद, वाइड बॉल, इस ओवर में केवल अभी तक 4 रन आए हैं। एक बार फिर वाइड, दिशाहीन गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, 5 रन आ चुके हैं, 12 रन हो चुके हैं, जीत के लिए 28 रन चाहिए राजस्थान रॉयल को। और अच्छी शॉट, पॉइंट की दिशा में लगा दिया है और छक्का, पूरा रिजल्ट मिलेगा, 6 रन राकेश के बल्ले से, ये छक्का राजस्थान रॉयल को पटरी पे लाएगी अपने गेम को। और 2 ओवर में 10 रन की जरूरत है, ओवर अच्छी घट रही थी केकेआर के लिए, किंतु ये छक्का कितनी कमबैक कराई है अपनी टीम को, ये राजस्थान की डगआउट जानती है। और तीसरा ओवर डालने आया जाए, 10 गेंदों पे 10 रन चाहिए रोहित स्ट्राइक राजस्थान रॉयल को जीतने के लिए। एक बार फिर वाइड, दिशाहीन गेंदबाजी, गति में बल्लेबाज को परेशान तो कर रहे हैं किंतु अच्छी लेंथ और लाइन में सटीक आना चाहिए। अब चाहिए 10 गेंदों पे 9 रन, क्या केकेआर इधर से वापसी कर पाएगी? केकेआर के लिए मुश्किल है किंतु नामुमकिन तो नहीं है। एक बार फिर वाइड, दूसरा लगातार वाइड, खराब गेंदबाजी, स्टार है, ये पहले ही बोला था कि स्टार है ना, आपको महंगा पड़ेगा, लगातार 3 वाइड बॉल, बहुत ही खराब गेंदबाजी केकेआर के कप्तान, कीपर इंजर्ड लग रहे हैं तो कीपर चेंज किया गया है। ये मैच में वापसी करना तो नामुमकिन लग रहा है केकेआर के लिए, किंतु क्रिकेट अनिश्चित का गेम है, कभी भी पासा पलट सकती है। आज राजस्थान रॉयल मैच जीतती है तो 4th जीत हासिल करेगी। इसी बीच बल्ले पे लगा है और सीधा 6 के लिए मिलेगा, अच्छी शॉट रवि के बल्ले से, केवल 1 रन चाहिए राजस्थान रॉयल को जीतने के लिए। केकेआर के कप्तान वो घुटना टेक दिया है रवि के सामने और रवि आक्रामक रूप में नजर आ रहे और 1 रन चाहिए ये राजस्थान रॉयल को मैच जीतने के लिए। 4th जीत हारिस व्हाइट बॉल के साथ ही राजस्थान रॉयल 4th जीत, लगातार जीतते हुए जीत राजस्थान रॉयल की गाड़ी पटरी पे आ चुकी है, ये लगातार दूसरी हार केकेआर
केकेआर के खेमे में निराशा झलकी रही है और कप्तान आंखों से निराश लग रहे हैं। आज मामू जरूर नहीं थे, किंतु गेंदबाजी से कमाल कर सकते थे। किंतु राजस्थान जिस तरीके से खेल में प्रदर्शन दिखा रही है, वो लगातार पे लगातार विरोधी टीम को कर रहे हैं बार और घुटना टेक रही है विरोधी टीम। जिस तरीके राजस्थान रॉयल के बैट्समैन, जिस तरीके से राजस्थान रॉयल के बॉलर चल रहे हैं, लग रहा है जूनियर आईपीएल में वो जीतते हुए जीत और पॉइंट्स टेबल में वो अब छठे पायदान पे आ चुकी है और सीधा चलते हैं मैच सेंटर में। मैन ऑफ द मैच को रिप्रेजेंट कर रहे अमित सरकार इनवाइट द स्टेज। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच जिस तरीके से बॉलिंग की है लगातार पे लगातार, कप्तान मुबारक अपने टीम को ले जा रही है आगे। वो पटरी पे आ चुकी है राजस्थान की गरी। इनवाइट द स्टेज एंड मैन ऑफ द मैच मुबारक, इनवाइट द स्टेज। इस मैन ऑफ द मैच को रिप्रेजेंट कर रहे अमित सरकार, स्टेक द मेडल। दो डगआउट हो, खामोशी छाई होगी केकेआर के ऊपर, किंतु जिस तरीके से क्रिकेट खेल रही है राजस्थान रॉयल, आगे बढ़ के भी है राजस्थान रॉयल इस तरीके से खेले। आज कप्तान के साथ सॉरी बंगाली में बात करते है। कप्तान मुबारक আপনি যেভাবে খেলছেন, প্রথমে যেভাবে হেরেছেন, এখন যেভাবে আপনার টিমকে নিজেকে সাপোর্ট করছে, কি প্ল্যান নিয়ে আসছেন? আগে আগেকার আগে যেভাবে হেরেছেন, এখন কি প্ল্যান নিয়ে আসছেন? আগে আমাদের মেলে কিছু ভুল ছিল, হ্যাঁ ওগুলোকে আমরা সমাধান করেছি, মানে নিজে ভালোভাবে টিমটা সাজালছি কিভাবে করতে হবে বা খেলতে হবে। হ্যাঁ নিজে নিজে দোষ দিয়ে লাভ নাই, মানে ভালোভাবে বুঝে চলতে হবে। তার মধ্যে তোমার আজকে আমাদের ইমরান নাই, ইমরান ভালো ব্যাটিং একটা আমাদের খেলে ভালো, তো ছিল না, তাও আমরা মানে পুরো কম্পিটিশন ছিলাম ম্যাচটা জিতবো, মানে আগাতে মানে আমরা পয়েন্ট টেবিলে এক নম্বর হওয়ার চেষ্টা করবো। জিস তরিকে সে আপনি টিম খেল রে আপকো টিম কো অল দ্য বেস্ট, আর ইস তরিকে সে আপ খেলে পয়েন্টস টেবিল মে অর ভি আগে যাইয়ে অল দ্য বেস্ট আপকো টিম কে লিয়ে। আর কাল কা ম্যাচ एक बार फिर तैयार हो जाए। दिल्ली कैपिटल्स वो भी पटरी पे आ चुके हैं, सामने गुजरात टाइटंस जो 6 में से 1 मुकाबले जीती है और दिल्ली की दुरुस्त वो पटरी पे आ चुके हैं। कल का मुकाबला इसी टाइम हमारे साथ जुड़ जाइए, दर्शक हजारों दर्शक को आप दिखा लीजिए फॉरन डायरेक्टर। ये दर्शक एंटरटेनमेंट से कम नहीं, जूनियर आईपीएल को जिस तरीके से सपोर्ट किया इस दर्शक ने, बहुत बहुत थैंक्स सभी दर्शकों और प्राण को भी और जूनियर आईपीएल हैंड्स टुगेदर एंड किन कोबरा वेरी वेरी थैंक्स।